नमस्कार दोस्तों, आपका K3 विजन में स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है सीट रिपेयर या फिर सीट कवर डालने की रिगार्डिंग है। तो आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये सीट कवर के ऊपर है। मेरा जो सीट था वो बहुत पुराना हो चुका था, थोड़ा हार्ड हो चुका था। तो मैंने कन्विंस किया था जो सीट कवर बनाने वाले उनको कि मैं आपका वीडियो निकालूँ क्या, तो उन्होंने वो इंटरेस्टेड नहीं थे। तो मैंने उनका वो रिपेयर जो सीट कवर बनाया उनका तो मैंने वीडियो नहीं निकाला, लेकिन इस सीट कवर के इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। आप सभी लोग बाइक्स यूज़ करते हो और सबके पास बाइक है और सबके सीट कवर सब लोग डालते हैं और हर एक टाइप के डिज़ाइन के डाल देते हैं। तो आज मैंने जो सीट कवर डाला है नॉर्मल ही है और ये डॉट डॉट में मैंने लिया है, और जो चूज़ किया था वो बाइक के लिए अच्छा लग रहा है। मार्केट में बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल है। अब जब भी आप सीट कवर बनवाते हो तो आपको सीट कवर बनवाने के लिए जब जाते हो तो आपको खाली सीट कवर चढ़ा के देते हैं, लेमिनेशन करके देते हैं, लेकिन सॉफ्टनेस के लिए बहुत सारा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो मैंने जो सॉफ्टनेस के लिए जो ऑप्शन है ये मैंने फोम का मैंने चूज़ किया है। ये देखिए इस टाइप के फोम्स हैं, ये मैंने उनको सजेस्ट किया था कि ये वाला फोम मेरे बाइक में डालना चाहिए। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि ये फोम जल्दी दब जाता है, तो इससे अच्छा आप हिटलॉन वाला डाल दो। लेकिन मैंने वो प्रिपेयर नहीं किया हिटलॉन वाला, क्योंकि हिटलॉन जो सीट रहती है उसका एक वर्क अलग रहता है। हाँ, वो भले सॉफ्ट है, दबता नहीं है और आपका जो शेप बना है वो शेप वैसे ही बना रहता है, बट उसमें लॉसेस क्या होते हैं, जो हिटलॉन जो सीट रहती है उसका काम ये रहता है कि हीट को ना बाहर आने दे ना अंदर आने दे। फॉर एग्जांपल जो एसी की जो पाइप्स रहते हैं कूलिंग वाले और हीट वाले, उसके ऊपर वो जो कवर चढ़ाते हैं वो हिटलॉन वाला रहता है। मोस्ट ऑफ पानी के टंकी के ऊपर सिरेमिक सीट की जगह पे वो यूज़ करते हैं, जो ग्लॉस सीट यूज़ करते हैं उसके ऊपर। और वो मैंने प्रिपेयर नहीं किया क्योंकि उसकी वजह से आपको जो हीटिंग का प्रॉब्लम होता है सीट में जब बैठने के बाद, तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैंने ये प्रिपेयर किया है, एक फोम यूज़ किया इसके अंदर, और इसके अंदर दो लेयर लगे हुए हैं। एक पहला लेयर लगाने के बाद ये दूसरा लेयर लगाया हुआ है, और यहाँ पे भी उन्होंने कटिंग करके डाला है और इसके ऊपर भी। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो हीट है वो हीट ट्रांसफ़र होता रहता है और वेंटिलेशन थोड़ा बना रहता है। तो आई होप सो ये आपको वीडियो अगर अच्छा लगा रहेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।